आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फिट है तो हिट है। हम आज बात कर रहे हैं माइग्रेन की, और माइग्रेन की जो भी समस्या अगर आपको है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नीरज जैन, पेन स्पेशलिस्ट। वो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं क्या इलाज माइग्रेन के लिए किया जा सकता है, किस तरह की प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। लगातार हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं में, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा चांसेस रहते हैं माइग्रेन की, क्या कारण आप देखते हैं? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं, किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? सही कहा आपने कि लेडीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, 3 times कॉमनर देन मेन है इन टोटल पॉपुलेशन पुट टुगेदर, स्पेशली मिडिल एज ग्रुप बिटवीन टीन्स एंड दी 45। उससे पहले और उसके बाद में इक्वल है, मेल फीमेल रेशियो इक्वल है, पर बीच में राइट फ्रॉम टीन्स टू 50 ईयर्स फीमेल्स में इज ऑलमोस्ट 3 times देन दी मैन। तो वो रीज़न जो हमने इसमें फाइंड आउट किया गया है कि ईस्ट्रोजन रिलेशन है, जैसे ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है तो उसका इसका रिलेशन है। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ईस्ट्रोजन की वेरिएशंस आती हैं, साइक्लिक वेरिएशंस आती हैं, तो ये पेरी मेंस्ट्रुअल ये पेन देखा गया काफ़ी कॉमन है कुछ लेडीज़ को, मींस प्री मेंस्ट्रुअल में, और कुछ लोगों को मेंसेस के ऑनसेट के साथ ये पेन ज़्यादा होता है। तो रिलेशन इज़ नोन, उन लोगों को मालूम होता है, वो 1-2 दिन पहले प्रोफिलेक्टिव मेडिसिन ले लेती हैं, उनको पता है कि हेडेक होगा, या जिनको रेगुलर हेडेक वो ले लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हेडेक इज़ वेरी मच नोन फेनोमेना। और उसके अलावा जैसे देखा गया है कि जब पोस्ट मीनोपॉजल है, जैसे मीनोपॉज हो जाता है और ईस्ट्रोजन विड्रॉल्स हो जाते हैं, तो हेडेक की सीवियरिटी रिड्यूस हो जाती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है, और मेल फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो ये डेफिनेटली सेक्स हार्मोन से रिलेटेड है। और जैसे कि इंसिडेंस देखा, प्रेगनेंसी में देखा गया है कि प्रेगनेंसी में हेडेक कम हो जाता है, जिनको माइग्रेन हेडेक है काफ़ी कम हो जाता है, ओनली इन फ्यू पेशेंट्स, बहुत कम लेडीज़ में ये बढ़ सकता है। नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी होती है तो हेडेक फिनिश हो जाता है। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी इसी हिसाब से डिपेंड किया जाता है कि जैसे अब देखा गया मेंस्ट्रुअल हेडेक है तो पेरी मेंस्ट्रुअल हम मेडिसिन देते हैं, प्रोफिलेक्सिस करना है तो उसको कर सकते हैं, एबॉर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली प्रोफिलेक्सिस से ठीक हो जाता है। और जैसे टीन्स में है, गर्ल्स में है, तो हम लोग जैसे शुरू में गर्ल्स आती थी और स्कूल से एज में निकल के आती थी और बोलती थी हेडेक है, तो हम लोग उसका नॉर्मली सीरियस नहीं लेते थे शुरू में, बट वी हैव डिस्कवर्ड यस इट इज़ ए जेन्युइन हेडेक। जैसे आपको शुरू में बोला कि स्कूल में ही बच्चे, हमें लगता है कि छुट्टी चाहिए स्कूल से, और दे वॉन्ट डू होमवर्क एंड दैट इज़ वाई दे वॉन्ट एन ईज, इसलिए, बट फैक्चुअली पेन होता है उनको एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। तो क्या ये पेन माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है बाद में जाकर? नो, दे आर माइग्रेन पेन, एक्चुअल में माइग्रेन पेन ही है, मतलब इट्स दिस हेडेक इज माइग्रेन पेन। हेडेक में जैसे मैंने शुरू में कहा है कि स्ट्रेस हेडेक अलग चीज़ है, और स्ट्रेस हेडेक माइग्रेन पेन के साथ स्ट्रेस रिलेट हो जाता है कई बार, जैसे स्ट्रेटस माइग्रेनस होता है जिसमें स्ट्रेस माइग्रेन हेडेक के साथ टेंशन हेडेक ऐड हो जाता है क्रॉनिक माइग्रेन में, तो ये कंबाइन हो जाते हैं लेटर ऑन। यानी जो मेंस्ट्रुअल के टाइम जो हेडेक हो रहा है वो मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाएगा, मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे मेंसेस खत्म हो जाती हैं तो हार्मोनल साइक्लिंग खत्म हो जाता है तो वो कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजेंस रिड्यूस हो जाते हैं तो इसलिए कम हो जाता है हेडेक। हमने ये भी देखा गया है जो लोग ओसीपीज लेते हैं, ओसीपीज नॉर्मली ईस्ट्रोजन कंट्रोल करते हैं तो हेडेक नहीं होता, बट ओसीपी के साथ एक प्रॉब्लम जो आती है, जो देखा गया है कि जो वेस्कुलर फेनोमेना है, एम्बोलिक फेनोमेना है, वो बढ़ जाते हैं। तो हम जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनको सीवीएस एक्सीडेंट है या स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, जो कि चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं लेंगे ओसीपीज। ये थोड़ा सा रिलेशन ओसीपीज के साथ भी देखा गया है हेडेक को लेकर। चलिए डॉक्टर नीरज, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, असम से है करुणा भट्टाचार्य। करुणा जी पूछिए सवाल। करुणा जी आपसे गुजारिश है, और साथ ही जो तमाम दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है अपने टीवी सेट के वॉल्यूम बंद रखिए और आप हमें फ़ोन के जरिए सुनने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ना ही हम आपका सवाल ठीक से सुन पाएंगे और ना ही आप हमारा जवाब सुन पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखिए। पूछिए सवाल करुणा जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हमारा सर पर थोड़ा पीछे है जी, और ऊपर का जो कान का ऊपर में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द होता है, ये किस लिए होता है? और हमारा जॉइंट में थोड़ा थोड़ा दर्द सर में पीछे की तरफ दर्द है, कान में दर्द होता है और जॉइंट्स में भी दर्द है। कान में नहीं, कान का ऊपर का हिस्सा से, लेफ्ट साइड में जी, कान के ऊपर का हिस्सा, कान के ऊपर लेफ्ट साइड में। देखिए जो हेडेक है उसमें कई बार क्रेनियल न्यूरेल्जियाज हमारे यहाँ कहा गया, क्रेनियल पेन्स भी होती हैं, ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरेल्जियाज वन ऑफ देम, और क्रेनियल न्यूरेल्जियाज भी होते हैं, ट्राइजम न्यूरेल्जिया भी होता है,
तो हमें ट्राइजमनल न्यूरालजी, हालांकि माइग्रेन में देखा गया है तो ट्राइजमनल वैस्कुलर कॉम्प्लेक्स और ट्राइजमनल सर्वाइकल कॉम्प्लेक्स, और इसमें बाई डायरेक्शनल पेन होती है, सर्वाइकल की वजह से ट्राइजमनल पेन भी हो सकता है और ट्राइजमनल की वजह से सर्वाइकल पेन भी हो सकता है, और माइग्रेन पेन इज बेसिकली ट्राइजमनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो जो आपने अभी बोला कि आपके कान के ऊपर दर्द होता है, हो सकता है ट्राइजमनल न्यूरालजिया ना हो, उसको देख लीजिए। अच्छा, सर के पीछे भी दर्द होता है, पर कई बार देखा है कि माइग्रेन जैसे अब 66% में ऑरा नहीं होता है, माइग्रेन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट नोन है, सिंपल है और ट्रीटेबल डिजीज़ है। जैसे मैंने शुरू में कहा 90% ट्रीटमेंट है, अगर आप टाइमली स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट है। हाँ, जॉइंट की पेन की आपने बात की, कोइंसिडेंटल डिजीज़ है जैसे कोमॉर्बिडिटीज़, मैंने शुरू में बोला कि जिन लोगों को माइग्रेन है उनको फाइब्रोमायल्जिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको अदरवाइज जो और डिजीज़ हैं जैसे सब मेंशन किया, सीवीए है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें ज़्यादा तंग कर सकती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें एक रिलेट करना पड़ता है। एक हो सकता है दो बीमारी इकट्ठी हों, तो ये एक जॉइंट, हाँ ये है कि टीएम जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो जबड़े के जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ लोगों को पेन ज़्यादा होता है, वो फाइब्रोमायल्जिया के साथ रिलेशन होता है, तो वो एक आस्पेक्ट हो सकता है कि आपको टीएमजे सिंड्रोम ना हो। और हमारे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी ये कहा गया है कि आर्थराइटिस अगर 50 इयर्स जैसे आपने बोला, एज जैसे आपकी बात से लग रहा है 50 इयर्स प्लस एज है, ओल्डर एज ग्रुप में हेडेक सेट इन कर रहा है, तो ये कई बार देखा गया है कि आर्थराइटिस पेन हो सकता है और ये एक सीरियस सिचुएशन है। तो इसके लिए डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके इसके डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो कई बार ये ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। तो अगर टेम्पोरल आर्थराइटिस जिसे कहा गया, वो टीएम उसका साइनक क्यों है कि वो जबड़े में दर्द होगा, जैसे आपको चबाएंगे तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा और वो हेडेक ऊपर या नीचे चला जाता है, ये देखा गया है। चलिए, शुक्रिया आपका करुणा जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी समस्या जो थी उसका समाधान यहाँ निकालने की कोशिश की है डॉक्टर जैन ने। आप चाहें तो पहले डॉक्टर से मिलिए, क्या है, क्या प्रकृति है, क्या नेचर है आपके इस माइग्रेन की, आप उनसे जानिए, आप उसका इलाज बेहतर तरीके से फिर करा सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीरज, मैं जानना चाहूँगी आपसे, एक माइग्रेन में कई तरह की समस्याएँ होती है, सबसे प्राइमरी आप किसे मानते हैं, मेन समस्या क्या आती है जो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं? देखिए, माइग्रेन में लेटेस्ट स्टडी किया गया है, उन लोग फाइंड किया है कि पेन प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट्स का। जो एक स्टडी किया, सर्वे किया है, उन्होंने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को नॉजिया से लेके है, उसके बाद फोटोफोबिया है जो उनको देखने में लाइट से प्रॉब्लम होती है, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज़ डिसेबिलिटी। माइग्रेन की वजह से जो उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, लाइफ स्टाइल वेरिएशन हो जाता है, कई लोगों में यहाँ तक देखा है कि माइग्रेन की वजह से पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, माइग्रेन साइकोसिस हो जाता है, पेशेंट्स डर डर के रहता है उसको कहीं माइग्रेन ना हो जाए, पेशेंट्स को रूटीन ट्रेवल्स करने हैं, कुछ काम करने हैं, वेकेशंस में जाना है, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, सोशल फंक्शंस में जाना है, बिकॉज उनको यही डर लगता है कि कहीं माइग्रेन पेन ना हो जाए। तो हम ये उनको सजेस्ट करते हैं कि प्रोफाइलेक्टिव मेडिसिन लें, और अगर लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम है, लेस देन 2 पर वीक है, या कोई सीवियर माइग्रेन नहीं होता किसी समय विद ऑरा नहीं है, तो वो एक एबॉर्टिव मेडिसिन पास में रखें, जैसे उनको होने वाला है तो उसको ट्रीटमेंट कर लें। तो ये जो बात बोली लाइफस्टाइल वेरिएशंस की, ये सब चेंजेस टोटल साइकोसिस स्ट्रेस जो लेवल है उसको कम करने की कोशिश करें जी। और साथ ही क्या आगे जाकर अगर माइग्रेन का सही समय पर इलाज ना करें तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? वेल, जैसे कहा, माइग्रेन का अगर इलाज नहीं करते, माइग्रेन स्टेज एज माइग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम। माइग्रेन क्या होता है कि अगर उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इट टेंस टू सिवियरिटी इंक्रीज हो सकती है, हेडेक की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, और हमारे यहाँ देखा गया है कि अगर आप 15 हेडेक मोर देन ए मंथ हो जाते हैं 15 बार, और मोर देन 3 मंथ्स हो जाता है, तो इसे क्रॉनिक माइग्रेन। और अगर माइग्रेन अनरेमिटिंग है, ठीक नहीं हो रहा, 4 to 72 hours इसकी नॉर्मल साइकिल है, और 72 hours से ज़्यादा हो गया और 4 hours का भी डिफरेंस नहीं है, तो स्टेटस माइग्रेन है, तो दे हैव टू बी ट्रीटेड, बिकॉज इसकी वजह से अदरवाइज अदर सिम्टम्स मैंने कहा कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस और चीज़ें रेज हो जाती हैं। और अगर माइग्रेन विद ऑरा है तो डेफिनेटली इसे सीरियस सिचुएशन, जैसे मैंने शुरू बोला ऑरा कई तरह के होते हैं, विजुअल है, देखने में कुछ चेंजेस आएंगे, सुनने में चेंजेस आएंगे, कुछ डिफरेंट माइग्रेन है क्लासिफिकेशन, जैसे हेमिप्लेजिक माइग्रेन है, पेशेंट का हेमिप्लेजिया एक साइड ऑफ द बॉडी में वीकनेस आ जाती है, और कुछ सेंसरी सिम्टम्स होते हैं, कुछ सुनने में, कई बार बोलने में उनको दिक्कत होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स, दे आर प्रॉब्लमेटिक्स। एक बेसलर माइग्रेन एक वैरायटी रहती है जिसमें उनको सुनने के अलावा, बोलने के अलावा स्मेल की चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी में सेंसरी चेंजेस आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, चलने में दिक्कत हो सकती है, तो वो हमें शुरू में डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट करना चाहिए।